और अब खबरों में आगे बात करते हैं गोंडा की, जहां पर केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण पर मुकदमा, बिना अनुमति लाभ लश्कर लेकर चले करण भूषण, जहां पर अति उत्साह में फोड़े गए इस दौरान मल्टी शॉट पटाखे और आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन, जहां पर तरबगंज के एफएसटी प्रभारी ने लिखवाया है यहां पर मुकदमा। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, और इसको लेकर अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है। गोंडा का ये पूरा मामला, जहां पर केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कादिर, यहां पर करण भूषण पर मुकदमा दर्ज हुआ है आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए। देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से अधिसूचना जारी हुई और जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दिए गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो। वहीं कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण पर बिना अनुमति के लाव लश्कर लेकर चलने के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से कई गाड़ियों का काफिला पूरा चल रहा था, इसको लेकर के जब वहां पे काफी भीड़ थी, जिसको लेकर के ये मुकदमा पूरी दर्ज किया गया है। तरबगंज का ये पूरा मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने